Hello and welcome. In this lecture, we will discuss how to find out the area of a triangle using determinants. Determinant को use करके किसी triangle का area कैसे find out करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और इसमें जो formula है determinant find out करने का, क्योंकि जब हमने किसी triangle का determinant find out करना है तो जो triangle है that will be given in a plane. तो सपोज जैसे वी हैव हेयर दिस इज से दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड हेयर परपेंडिकुलर जो है इसके दिस इज द वाई एक्सिस. और कोई ट्राइंगल यहाँ पे हमें गिवन है और ट्राइंगल जो है यहाँ पे सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि हमें पता कि ट्राइंगल के केस में उसमें तीन वर्टिसेस होंगी, तो एक वर्टिसेस जो है यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं. एक वर्टिसेस यहाँ पे है सपोज, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स सपोज हैं इसके एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक वर्टेक्स यहाँ पे है विच इज़ एक्स टू कॉमा वाई टू, और तीसरी वर्टेक्स सपोज यहाँ पे है विच इज़ एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री. सो ये तीन वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल की, और तीनों वर्टिसेस से ये इसकी एजेस हो जाएंगी. दीज आर द थ्री एजेस. सो ये ट्राइंगल है जिसमें ये तीन वर्टिसेस हैं. जैसे सपोज ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, मतलब कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस तरफ ये परपेंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज एक्स वन, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस है दैट इज वाई वन. आपको ये पता होगा प्लस वन में आपने प्लेन ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पढ़ी होगी, तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्लेन के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, किसी पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वी नीड द टू कोऑर्डिनेट्स. पहले को हम एब्सिसा कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं, और दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स जिसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी फॉर्म पोलर फॉर्म होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे. तो ये तीन पॉइंट्स हैं, तीन वर्टिसेस हैं, और इन तीन वर्टिसेस से ये ट्राइंगल बनती है. ट्राइंगल है सपोज ये वाली वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, इसको अगर हम नाम दे दें. और इस केस में जब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है एरिया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो उस केस में इसका फार्मूला जो होता है एरिया फाइंड आउट करने का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. जब डिटर्मिनेंट यूज करना है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं, 1/2 बाहर लिखेंगे, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लेंगे जो x1 y1 वर्टेक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स है, जिसमें मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में आएंगे x1 y1 1 ये एलिमेंट्स आएंगे, सेकेंड रो में एलिमेंट्स आएंगे x2 y2 1, थर्ड रो में एलिमेंट्स आ जाएंगे x3 y3 1. तो ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस. यहाँ पे लिख सकते हैं विद वर्टिसेस. वर्टिसेस कौन कौन सी हो जाएंगी? वर्टिसेस हो जाएंगी एक्स वन वाई वन कॉमा एक्स टू वाई टू कॉमा एक्स थ्री वाई थ्री. मतलब ये ट्राइंगल है जिसकी ये तीन वर्टिसेस हैं, तो इसका जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा लिख सकते हैं, इससे इसको डिनोट कर सकते हैं. सो डेल्टा विच इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हैविंग दीज थ्री वर्टिसेस, उसका एरिया हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. मतलब जब भी हमें क्वेश्चन आएगा कोई ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तीन पॉइंट्स दिए होंगे उसके हिसाब से हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है. और इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वान्टिटी होता है. तो जो ये डेल्टा, जब हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये वैल्यू आएगी, तो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू हमने लेनी है डेल्टा की वो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया जो है दैट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी. और एक और चीज़ है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दूसरी जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब एरिया जो है
जब कोई तीन पॉइंट्स को लीनियर हो तो उस केस में जो एरिया है ट्राइंगल का विच इज़ फॉर्म्ड बाय दोज थ्री वर्टिसेस वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो एरिया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कोलिनियर के कौन से होते हैं पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इज ज़ीरो। तो ये नोट है जो आपने ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड हम अब एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3.8 माइनस 4.2 एंड 5.1। मतलब ये वर्टिसेस जो हैं वो ये पॉइंट्स हैं जो कि एक प्लेन के ऊपर दिए गए हैं। इसको हम देख लेते हैं एक बार ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली ये पॉइंट्स हैं, ये इस तरफ एक्स एक्सिस है, दिस इज़ दी वाई एक्सिस, एक पॉइंट ये है 3.8, मतलब इस तरफ 3 डिस्टेंस है, इस तरफ 8 यूनिट का डिस्टेंस है। सिमिलरली ये पॉइंट है 5.1, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 का डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 का डिस्टेंस है। और ये एक ये पॉइंट है -4.2। इन तीन पॉइंट से ये एक ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करना है और इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे बाई यूजिंग द डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाई द वर्टिसेस विच आर गिवन बाई 3.8 -4.2 एंड 5.1। सो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे, देयरफोर जो फार्मूला में पता है कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जब ये वर्टिसेस हों x1 y1 x2 y2 और x3 y3, उसके इसमें जो डिटर्मिनेंट हमने जो एरिया है उसका फार्मूला ये है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो एरिया आएगा इस केस में, देयरफोर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दिस केस विच इज़ डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 लगेगा, इनटू द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जैसे 3.8 है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो लेंगे 3.8 1, यहाँ पे 1 लिखना है सभी जगह पे, थर्ड कॉलम में 1 आएगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ जाएंगी -4.2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये -4 और 2, और यहाँ पे 5.1। तो दिस इज द फार्मूला, और इसको सॉल्व करना हमें आता है। आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो इसको अगर हमने जल्दी सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो थर्ड कॉलम है उसमें यहाँ पे हमेशा 1 1 1 1 रहेगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको अगर आपने क्विकली सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम ज़ीरो बना सकते हैं, रो ऑपरेशन लगा के, रो टू पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, -2 -1। सिमिलरली रो थ्री पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, -3 -1, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। फिर हम इसको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग दी थर्ड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 0 0 होगा, तो एक्सपेंड करके जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको आगे लिख लेते हैं। सो इसके बाद जो स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर लिख लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो टू पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, -2 -1, और रो थ्री पे ऑपरेशन लगेगा, -3 -1। तो ये जब हमने ऑपरेशंस लगाए तो नेक्स्ट स्टेप में वी विल गेट हेयर 1/2 तो आएगा ही, और यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि देखिए ऑपरेशन जो है वो रो टू और रो थ्री पे हैं, मतलब रो वन एज इट इज़ रहेगी, रो वन में कोई भी चेंज आपने नहीं करना है। अब यहाँ पे सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 1 0, जब डिफरेंस लेंगे 2 में से 8 का डिफरेंस लेंगे -6 आएगा, यहाँ पे -4 में से 3 का डिफरेंस लेंगे -4 -3 विच इज़ -7। सिमिलरली यहाँ पे जब रो 3 -रो 1 करेंगे, 1 में से 1 जब डिफरेंस लेंगे 0 आएगा, 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो है डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में रिड्यूस्ड हो जाएगा।
और इसके बाद जब फर्दर इसको सिंपलीफाई करना है, इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, क्योंकि अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग दी थर्ड कॉलम. सो लेट अस सिंपलीफाई इट. सो थर्ड कॉलम के अलोंग जब इसको एक्सपेंड किया है तो 1 यहाँ पे आएगा. यहाँ पे आप देखिए कि ये 1-3 पोजीशन पे है ये एंट्री, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे -1 की पावर हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है वो 1-3 पोजीशन है, 1+3. तो ये बिकॉज दिस इज़ इवन, आपको ये पहले समझाया कि जब पावर इवन होती है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 हो जानी है, तो वो +1 ही आएगा. तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 × 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 1 × क्या करेंगे, किस चीज़ का डिटर्मिनेंट, ये वाली रो छोड़ी, ये वाली कॉलम हमने छोड़ी, मतलब इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ये जो बाकी 2/2 मैट्रिक्स बची है उसका डिटर्मिनेंट. तो 1 × आ जाएगा यहाँ पे -7 -6 2 -7 इसका डिटर्मिनेंट. इसके बाद आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे 0 × समथिंग होना था, वो एक्चुअल में 0 × समथिंग हमें पता है. 0 को आप किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही रहेगा. और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट हेयर 1/2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 49, और माइनस फार्मूले का, और ये -6 × 2 -12. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 यहाँ पे. और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 49 + 12 विच इज़ 61. सो दिस इज़ इक्वल टू 61/2. और इसमें आप देखिए जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई यूनिट्स नहीं हैं, तो आप इसको जब यहाँ पे एज सच कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं मेंशन, और लेकिन हमें पता है कि जो एरिया है वो स्केयर में होता है, स्केयर यूनिट्स होता है. और यहाँ पे आप इसको सिंपली जो आंसर है उसमें लिख दोगे स्केयर यूनिट्स. सो दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल विद वर्टिसेस 3/8 -4/2 and 5/1. आगे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स विच आर गिवन बाय, पहला पॉइंट जो है ए, उसका नाम ए है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a, b + c, मतलब ये ए पॉइंट है नाम, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. और दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ b, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं b, c + a, और तीसरा पॉइंट जो है दैट इज़ कैपिटल C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल c, और साथ में a + b. शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, इसको हमने शो करना है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जब 3 पॉइंट्स दिए हैं उनको कोलिनियर शो करना है, तो कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, दे आर इन द ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जब वो पॉइंट लाई करेंगे तो कोलिनियर होंगे. और जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो अल्टीमेटली उस केस में जो एरिया होगा उस ट्राइंगल का विच इज़ फॉर्म्ड बाय दोस 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो 0 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे. और इस केस में अगर, क्योंकि ये पॉइंट्स आप देख सकते हो ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट्स को, ये 3 पॉइंट्स हैं. और आप देखिए ये 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इस साइड को अगर हमने यहाँ पे इन दो साइड्स को, ये जो ए पॉइंट है ये बी है और ये सी है, ए और बी को ज्वाइन किया, बी और सी को ज्वाइन किया, और ए और सी को भी ज्वाइन कर दिया. जब तीनों को ज्वाइन किया, तीनों एजेस जो हैं अगर हम ट्रिवियल फॉर्म में देखें, दे आर ऑन द सेम लाइन, इस लाइन के ऊपर आएंगी अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को. और क्लियरली जो यहाँ पे एरिया है फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल वो 0 हो जाएगा. आप इसको विजुलाइज कर सकते हो ज्योमेट्रिकली इस तरीके से. सो इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि जो एरिया है ट्राइंगल का विच इज़ फॉर्म्ड बाय दीज 3 वर्टिसेस दैट इज़ 0. तो हम यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे,
एक्चुअल में आप यहाँ पे लिखोगे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए बी सी इज जीरो। अगर हमने प्रूव कर दिया कि जो एरिया है फॉर्म्ड बाय दीज थ्री पॉइंट्स ए बी सी वो जीरो है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे इसका प्रूफ जो है वो, इसको जब हमने फर्दर कंटिन्यू करना है यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट डेल्टा बी एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस ए बी एंड सी, देयरफोर द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन दिस केस इज गिवन बाय 1/2 इंटू, जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम यहाँ पे ए बी प्लस सी वन, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये ए और बी प्लस सी, आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी प्लस सी, फिर बी सी प्लस ए, फिर सी ए प्लस बी। सो हेयर वी हैव बी सी प्लस ए वन, सी ए प्लस बी वन। और इस केस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि अगर हम सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दें, जैसे सपोज यहीं पे फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स ऐड करें तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी सी आ जाएगा और यहाँ पे भी। तो उसी को हम यहाँ पे, इसी टेक्निक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे फिर हम यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बच जाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है वो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो वहाँ से वो प्रूव हो जाएगा जो एरिया है इस केस में वो ज़ीरो है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं प्रॉपर इसको फॉर्मल वे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम कॉलम वन पे हम ऑपरेशन गाते हैं, सो कॉलम वन पे हम ऑपरेशन गाएंगे कौन सा, कॉलम वन प्लस कॉलम टू। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वी विल गेट हेयर ए, क्योंकि जब कॉलम वन में कॉलम टू को ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए विच मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, और सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, एंड हेयर वी हैव बी प्लस सी सी प्लस ए, और हेयर वी हैव ए प्लस बी वन वन वन। और इस केस में आप देख सकते हो कि जो ए प्लस बी प्लस सी है थर्ड फर्स्ट कॉलम में, ये एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे बिल्कुल बाहर, और यहाँ पे वी विल हैव 1 1 1 बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी 1 1 1। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो। और इसके बाद दिस इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों, इसका रीज़न भी लिख दो यहाँ पे, बिकॉज कॉलम वन एंड कॉलम थ्री दे आर आइडेंटिकल, दीज कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट इज़ वाई, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स जो स्केयर मैट्रिक्स है उसमें कोई दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो को जब हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, और यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। और क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है डेल्टा विच इज़ फॉर्म्ड बाय दीज थ्री वर्टिसेस ए बी सी वो ज़ीरो है, इट मीन्स दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप यहाँ पे इसको लिख दोगे एज डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए जो आपने खुद ट्राई करना है। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द पॉइंट्स
सच दैट द पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 3, -2 x, 2 एंड 8, 8 दे लाई ऑन अ लाइन. इसका मतलब कि वो एक ही लाइन पे लाई करती हैं, मतलब कि दे आर कोलिनियर. और एक और क्वेश्चन आपने करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the vertices which are given by 0, 0, 1, 2 and 5, 2. इन तीन vertices से जो triangle बनती है उसका area find out करना है. Next lecture में हम minors और cofactors के बारे में study करेंगे. Thank you.